हेलो गाइस। तो यार कैसे आप सभी लोग, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ यार सब मज़े ले रहे हो अपनी लाइफ में। और इस वीडियो पे यार हम एक बहुत ही मतलब सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि जो जो भी बंदा ऑनलाइन फील्ड में आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ गया है, उसके दिमाग में एक बात कभी ना कभी जरूर आई होगी कि यार यूट्यूब ज़्यादा बढ़िया है, ब्लॉगिंग ज़्यादा बढ़िया है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज 2019 को देखते हुए जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली है, बहुत सारी गाइडलाइंस बदली है, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली है, तो हम आज ये देखते हैं क्या यार आज भी यूट्यूब ज़्यादा बेस्ट है या फिर ब्लॉगिंग ज़्यादा बेस्ट है। एक देसी कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं पूरा का पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस लेके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर पसंद आए लाइक कर देना, और एक बात जरूर, अगर चैनल पे न्यू हो और दिल कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड है मीशो के द्वारा। मेरा कोई भी भाई घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपना रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस एप्लीकेशन का यूज करे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, बकायदा एक वीडियो दी गई है कि कैसे आपको इसके ऊपर काम करना है। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ यार, सब टेंशन मीशो की है, प्रोडक्ट से लेकर शिपिंग से लेकर आपको सिर्फ इनको कस्टमर लाके देने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो देखो यार, जो YouTube है ना गाइज, ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो YouTube है ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न एक है कि आपको कैमरा के आगे आना है, आप वीडियो के माध्यम से लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ सिखा रहे हो, वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ बता रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी होती है। लेकिन जब ये चीज़ आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में लेके जाते हो, आपको लिखकर लोगों को बताना पड़ता है, जो कि चीज़ आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन बोरिंग लगने लग पड़ेगी, और पांचवें छठवें दिन आप अपनी वेबसाइट को खोलना ही बंद कर दोगे, उसके डैशबोर्ड में जाना ही बंद कर दोगे, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के टाइम पे बहुत से कम ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि यार यूट्यूब में क्या है, अगर आप आए हो यूट्यूब पे, आप कुछ ऐसा काम कर देते हो जो कि मतलब किसी और ने नहीं किया, कुछ अलग, तो आपको रात में ही मतलब यूट्यूब कहीं का कहीं स्टार बना देगा, कितने मिलियंस में आपके व्यूज चले जाएंगे, अच्छा खासा आपकी इनकम हो जाएगी। यानी कि मेहनत थोड़ी कम है, लक अगर आपका अच्छा होता है यूट्यूब पे तो आप बहुत ऊपर जा सकते हो। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो फिर तो इनकम भी आपको भर भर के मिलेगी। लेकिन वही चीज़ अगर मैं ब्लॉगिंग में आगे बोलूं तो यहाँ पर गाइस टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि यार यहाँ पर आप लिख के 100 चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके, सर्वर्स को मैनेज करके, पोस्ट डाल के, इतना सारा आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट को गूगल के इंडेक्स पेज पे रैंक करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रन कर रही हैं और उनके एल्गोरिथम्स जो है, यहाँ पे गूगल के एल्गोरिथम्स हैं वो टाइमली टू टाइमली, मंथली टू मंथली चेंज होते हैं। मान लो आप अभी यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से सही हो, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, लेकिन इनकेस अगर उनका कोई नया अपडेट आ जाता है तो उसमें क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अगेन डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पर आपको क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है। मतलब अगर आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, अपनी वेबसाइट को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, अच्छी खासी इनकम करना चाहते हो, तो एक टाइम लगता है, 1 साल भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, 2 साल भी लगते हैं, डिपेंड ऑन यू कि गाइज आप हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खर्चा, गाइज देखो अगर मैं बात करूँ YouTube तो वो भी आज किसी बिजनेस से कम नहीं है, और अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ वो तो है ही बिजनेस है। तो यहाँ पर खर्चे की अगर मैं बात करूँ तो जो खर्चा यार निकलता है, अगर मैं YouTube की बात करूं तो डेफिनेटली यार उतना कुछ खर्चा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ना ही तो YouTube को किसी टाइप की उनके सर्वर के लिए कोई पैसा दे रहे हो, ना ही तो YouTube आपको बोल रहा है कि आप इतनी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। आपको पूरी फ्रीडम है, आपको उनकी गाइडलाइंस को हिसाब में रखते हुए अपने वहाँ पे वीडियोस आप डाल सकते हो, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। आपको अगर पे करना पड़ रहा है तो अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो लाइटनिंग आप यूज़ कर रहे हो, आपको अपने माइक कैमरा इन सब चीज़ों पे, गियर्स पे आपको एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली अगर मैंने ये 700D 3 साल पहले का लिया हुआ है तो मैं आज भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज भी मेरे को अच्छा खासा आउटपुट दे रहा है। मैंने ट्राईपोड 3 साल पहले लिया हुआ है तो आज भी मेरे को अच्छा आउटपुट दे रहा है। यानी कि पैसे जो है वो आपके YouTube में बहुत कम लगते हैं। हाँ, जब आप अपना सेटअप वगैरह मैनेज करते हो, चेंज करते हो और अपडेट करते हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूँ,
यहाँ पर गाइस खर्चा है। सबसे पहले जो मेनली आपका खर्चा आएगा वो आपके सर्वर्स पे आएगा, आपके डोमेन जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो पर ईयर के हिसाब से आपको उसको मतलब उसका जो बिल देना पड़ता है ज्यादा कुछ नहीं होता है, 400 500 600 रुपए के आसपास बिल आता है। लेकिन जो सर्वर्स होते हैं वो डिपेंड ऑन यू, आपने वीपीएस लिया, डेडिकेटेड लिया, शेयर्ड होस्टिंग लिए, क्लाउड होस्टिंग लिया, आपने कौन सी होस्टिंग ली है उस प्लान के हिसाब से आपको उनको पे करना पड़ता है। और अगर मैं मिनिमम प्राइसिंग बताऊं सर्वर्स की तो वो डेफिनेटली अगर मैं मंथली बताऊं तो 60-70 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और 500 रुपए 1000 रुपए 2000 रुपए तक भी जो है वो जाती है, डिपेंड ऑन यू आप क्या यूज करते हो। उसके साथ साथ आपको वेबसाइट्स पे टूल्स का यूज करना पड़ता है, लाइक एरफ्स हो गए, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, कीवर्ड एनालिटिक्स मतलब वो सब देखते हो कि कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाया जाए, या फिर आप यूँ समझ लो कि कीवर्ड रिसर्च करते हो। इन सब चीज़ों के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको आपको डेफिनेटली मंथली सब्सक्रिप्शन पे लेना पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर आपने यहाँ पर कुछ छोटी मोटी टीम बना के रखी है जो कि आपके लिए पोस्ट लिखे यानी कि कंटेंट राइटर्स को हायर करके रखा हुआ है तो उनको भी आपको पे करना पड़ता है पर पोस्ट के हिसाब से, मंथली बेसिस पे डिपेंड ऑन यू। तो खर्चा जो है वो आपको डेफिनेटली ज़्यादा यहाँ पे वेबसाइट्स में आता है। सो गाइस यहाँ पे खर्चे की बात हो गई है, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आप इतना खर्चा करते हो दोनों चीज़ों में तो पैसा आपको किस में ज़्यादा मिलता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया लेकिन लास्ट में थोड़ा उसको ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में कि कॉन्स क्या है यूट्यूब के या फिर ब्लॉगिंग के। सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, देखिए कि ब्लॉगिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको डेफिनेटली थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा या फिर जिनको आप कौन समझ सकते हो, जिनसे आपको परेशानी हो सकती है, जो चीज़ें गलत आती है ब्लॉगिंग में। सबसे पहली चीज़ जो है वो है दोस्तों फेम। आप देखो यार अगर यूट्यूब है, अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप 2-3 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच जाते हो, आज मैं भी मुझे पता है मुझे 4 बंदे जानते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। जबकि अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूँ, ऐसे कई सारे महापुरुष हैं मतलब महा ब्लॉगर्स हैं, प्रो ब्लॉगर्स हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वो रेलवे स्टेशन खड़े हैं, एयरपोर्ट खड़े हैं तो उन्हें 4 बंदे नहीं जानने वाले हैं कि भाई ये ब्लॉगर है, यानी कि पहचान जो है वो बहुत कम रहती है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। जबकि यूट्यूब में क्या है, आपके 1-2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, काम अच्छा कर रहे हो, 100 लोग आपको जानते हैं, 100 लोग आपसे मिलते हैं, आप मीटअप्स करते हो, यानी कि काम करने का मज़ा आता है। दूसरा कौन जो ब्लॉगिंग का है वो वैसे जैसे कि आपको बोला कि थोड़ी बोरिंग है। वीडियोस यूट्यूब में क्या रहता है कि आप थोड़ा मतलब वीडियो माध्यम से, जैसे मैं बना रहा हूँ मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं जस्ट अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा 500-1000 वर्ड जब लिखने पड़ते हैं तो डेफिनेटली 70% जो ऑडियंस है वो उसे बोर हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन मोस्टली ऑफ लोग जो है डेफिनेटली ब्लॉगिंग को एक बोरिंग चीज़ समझते हैं, लेकिन बोरिंग है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा इसमें आपको क्या बेनिफिट है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो वो है मेहनत। गाइस अगर जैसे आपको पता होगा कि मेहनत तो यार यूट्यूब पे भी लगती है, लेकिन ब्लॉगिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि क्या होता है कि एल्गोरिथम टाइमली जो है वो अपडेट होते रहते हैं यूट्यूब के मुकाबले। यूट्यूब अब है वो थोड़े टाइम के साथ हमें एल्गोरिथम में बदलाव देता है, लेकिन गूगल क्या है कि उसका जो पेंगुइन बहुत सारी चीज़ें मतलब बोट्स जो है वो उसके अपडेट्स होते रहते हैं, एल्गोरिथम उसके अपडेट्स होते रहते हैं कि कैसे मतलब वो इसलिए ऐसे करते हैं कि बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका मिले, या फिर यूँ समझ लो कि वो अपने सर्च इंजन को और ज़्यादा सिक्योर करे, जो ब्लैक हैट SEO लोग करते हैं उनसे अपने आप को बचाए, सो डैट वो ये अपडेशन करता रहता है। जिससे क्या होता है कि अगर मान लो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपकी वेबसाइट टॉप पेज पर रैंक कर रही है, मान लो कल को यार एल्गोरिथम चेंज हो जाता है और आपकी वेबसाइट उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको फिर से वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो थिंग इज दैट जैसे कि मैंने बोला कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती है, और उसके साथ साथ ये जो कौन है इसका कि मतलब टाइमली टू टाइमली जो जो एल्गोरिथम में बदलाव आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स को रेवेन्यू में भी जो है मतलब कमाई में भी लॉस होता है, और उसके साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम होता है जब दोबारा से एल्गोरिथम आ गया, दोबारा से वेबसाइट को खड़ी करना पड़ता है। वही अगर मैं आगे बात करूं तो अगर एक आधा कौन उसका रह जाए तो यार जो इसका एडसेंस होता है, जो वेबसाइट में अगर आप एडसेंस से अर्निंग कर रहे हो, नॉन होस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इनके से थोड़ी बहुत भी आप उसमें चीट करते हो, आपका कोई एनिमी उसमें आपसे कुछ पंगे लेता है, इनवैलिड क्लिक्स कर देता है, तो एडसेंस डिसेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
अब हम दोस्तों बात करते हैं YouTube को लेके, YouTube के क्या कौन से, शायद ये चीज लोग मोस्टली ऑफ सुनना चाहते थे। फर्स्ट नंबर जो कौन YouTube का है वो है, अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आप YouTube पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। बड़े बड़े लोग आपको बोलेंगे कि मेहनत करो फल मिलेगा, मेहनत करो फल मिलेगा, मेहनत करो फल मिलेगा। मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि हार्डवर्क हमेशा पे करता है, स्मार्ट वर्क हमेशा पे करता है, लेकिन थिंग इज दैट अगर आपका लक अच्छा नहीं है, अगर आपकी वीडियोस यूट्यूब एल्गोरिथम को सूट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एल्गोरिथम तो किसी को पता नहीं है भाई कैसे काम करता है, लेकिन अगर आपकी वीडियोस यूट्यूब ब्राउज फ्यूचर में नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से डालेगा। आप अपनी वीडियोज में व्यूज सिर्फ ला सकते हो नोटिफिकेशन से, बहुत ही कम सजेस्टेड वीडियो से और YouTube सर्च इंजन से, जिससे जिस पे आपका कंट्रोल है। बाकी सारा कंट्रोल दोस्तों YouTube का है, उसी की मर्जी से आपकी वीडियोस ब्राउज फीचर में जाएगी, वो सब जाएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन मोस्टली ऑफ टाइम YouTube पे लक काम आता है, ये बात आप बिल्कुल याद रखना। दूसरी चीज़, आपको YouTube के ऊपर रेगुलर रहना पड़ता है। जैसे आप टीवी सीरियल्स देखते हो, एक दिन सीरियल ना आए तो आप परेशान हो जाते हो, सेम एज लाइक आपके सब्सक्राइबर्स भी परेशान हो जाते हैं जब आपको उनकी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखने को मिलती है। मैं जानता हूँ, मैं अपने लास्ट 6 मंथ में अनएक्टिव रहा हूँ चैनल, मैं अपने चैनल पर वीडियोज नहीं डाली है। मेरे चैनल का स्टैंड क्या था और मेरे चैनल का स्टैंड क्या हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रहा, मैं मतलब जो कंसिस्टेंट रहता था YouTube वीडियोस पर डे डालता था वो मैं नहीं डाल पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिससे मेरे चैनल को भारी नुकसान हुआ है। तो आपको डेफिनेटली टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। तीसरी चीज़ गाइस, कंटेंट की। देखो यार, व्लॉगिंग में क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लिखने को, तरह तरह की चीज़ें आप बना बनू के लिख सकते हो और अच्छे खासे आपको वहाँ पे व्यूज वगैरह आते। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ यूट्यूब की, तो यार यूट्यूब में क्या है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो चुके हैं, जिस वजह से अगर यार एक आधा कोई कंटेंट निकलता है तो उसको हजारों लोग हैं उस पर वीडियो बनाने के लिए, जिस वजह से क्या होता है कि यार जब कंटेंट की कमी होगी, मतलब आप फिर लोगों को लगेगा आप उसकी कॉपी कर रहे हो, इसकी कॉपी कर रहे हो, आपके चैनल पे व्यूज़ कम आएंगे, क्योंकि भाई सब तो यूट्यूबर बने रहे वेब बैठे हैं, तो व्यूवर्स कहाँ जाएंगे। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि अगर व्यूवर्स ही यूट्यूबर्स वहाँ पे बन रहे हैं, कंटेंट की यहाँ पे कमी हो रही है, तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो जाती है। चौथी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो यूट्यूब का गूगल एडसेंस है वो आपको उतना पे नहीं करता है जितना आपको ब्लॉगिंग पे करता है। जी हाँ, जो आपको गूगल एडसेंस है तो दोनों का एक ही है, लेकिन यूट्यूब का होस्टेड है, वेबसाइट्स का नॉन होस्टेड है, और नॉन होस्टेड एडसेंस आपको हमेशा बहुत ज़्यादा पे करते हैं, CPC के हिसाब से, RPM के हिसाब से, हर एक तरीके से, CTR के हिसाब से, हर एक तरीके से आपको अच्छा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ YouTube की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आप देख सकते हो 5,000-10,000 व्यू पे भी आजकल आपको $1 यहाँ पे मिलता है, तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ ऐसी हालत है YouTube की। और अगर अब इसको छोड़ के मैं बात करूँ कि पैसा किस में है ज़्यादा, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि भाई पैसे के मामले में ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट है। क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है कि आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों में एक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube में क्या रहता है कि YouTube में आपको लाखों में एक बनना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे अर्निंग करनी है, जो कि ब्लॉगिंग से भी आगे चली जाती है, लेकिन वो लाखों में एक बनता है या करोड़ों में एक बनता है। लेकिन अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूँ, अगर आप दिमाग से काम करते हो, SEO सही ढंग से करते हो, रेगुलर रहते हो, सही तरीके से काम करते हो, तो आपको लाखों में एक बनने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से अपनी वेबसाइट से उतना पैसा कमा सकते हो जितना YouTube में कमाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब चाहे आप स्पॉन्सरशिप्स को भी मिक्स कर दो, अब चाहे आप हर एक चीज़ को मिक्स कर दो, क्योंकि यार लाखों में एक तो मुझे नहीं लगता है आप बन पाओगे। मतलब बहुत लाखों में एक यार, मतलब प्रोबेबिलिटी देखो आप बहुत कम है वहाँ पे अर्निंग की, जबकि वेबसाइट में क्या है, आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा लोगे, आप एडसेंस से ही इतना कमा लोगे जितना आप यूट्यूब से नहीं कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने एक एक दिन में $1,000 बनाया हुआ है, और वो लाखों में एक नहीं है, वो लाखों में कम से कम 500 लोग तो जरूर होंगे जो इस टाइम पर डे में $1,000 कमा रहे हैं। उनमें से कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन कई बार मेरी अर्निंग भी, मैंने $400-$500 पर डे का कमाया हुआ है। तो मैं जानता हूं कि यार वेबसाइट्स आपको किस लेवल तक लेके जा सकती है। आती है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा सिक्योर है। देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, ऑनलाइन की फील्ड में, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म सिक्योर है। आपको हमेशा बैकअप प्लान्स लेके चलना पड़ेगा, अगर आप वेबसाइट्स में काम कर रहे हो तो भी, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो
तो भी, तो हमेशा बैकअप प्लान्स बनाए रखो। बाकी हाँ, वेबसाइट्स में थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बिजनेस स्कोप थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा मतलब आप अपने बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर सकते हो। तो उसका रीज़न सिर्फ एक है कि आपकी अगर वेबसाइट चल पड़ती है, आप अपनी एक कंपनी खोल सकते हो, वहाँ पे कंटेंट राइटर्स को हायर कर सकते हो, उन्हें जॉब्स दे सकते हो। और वहीं यूट्यूब को भी मैं हल्के में नहीं लूँगा, करियर स्कोप एकदम मक्खन है, लेकिन बस एक चीज़ है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है कि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा है, आपको लाखों में एक बनना पड़ेगा। अगर आप अपना पूरा का पूरा लाइफ सेटल यहाँ पे यूट्यूब पे करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। देन आफ्टर है कि हाँ यार, आप सोच सकते हो कि आप इसको फुल टाइम लेके चल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोनों केसेस में बैकअप प्लान बनाए रखें। एट दी एंड मुझे नहीं पता वीडियो मेरी कितनी ज़्यादा लंबी होगी, स्टिल अगर आप देख रहे हो तो आप में वो जज्बा है, आप में वो डेडिकेशन है, आप में वो पैशन है, आप इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप स्टिल ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दो, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, सलामत रहो।